नमस्कार। श्रम एवं समाज कल्याण के श्रम समाचार में शिक्षा विभाग द्वारा, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। अधिसूचना जारी करने वाले अवर मुख्य सचिव महोदय हैं और ये 10/4/23 को अधिसूचना उन्होंने जारी किया है। अभी तक बिहार में जो भी सरकारी स्कूल थे वो विभिन्न संवर्गों में बटा हुआ था। प्राथमिक का अलग, माध्यमिक का अलग, उच्च माध्यमिक का अलग, उसके बाद शहर का अलग, ग्राम पंचायत का अलग, यानी इतना भेद उसमें किया हुआ था। यानी ऐसा सरकार ने नियम बना के तोड़ दिया था जिसकी की कोई सीमा नहीं। यानी एक संवर्ग को विभिन्न जगह ले जाकर, कोई ग्राम पंचायत का है, कोई ब्लॉक का है, यानी वो बहुत। अब आप देखें तो स्वाभाविक है कि इन शिक्षकों का सरकार से ये मांग चलती थी कि आप हमें सरकारी शिक्षक घोषित करें, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित करें। और ये संख्या पुराने शिक्षकों की संख्या करीब 4 लाख के पास है। पुराने शिक्षक जिसमें एक क्लास से लेकर 12 क्लास तक के टीचर आ जाते हैं, तो और पुनः नियुक्त होने वाले लगभग जो सीट वैकेंट है वो भी करीब 1.5 लाख के आसपास है। सीट बिहार में खाली है जिसकी नियुक्ति होनी है। तो सभी जगह तरह तरह के, जब सरकार जैसे रहे, पहले जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा मित्र बहाल किया 1,500 रुपया में। 1,500 रुपया महीना पर शिक्षा मित्र का बहाली किया। फिर जब नीतीश जी आ गए तो इन्होंने परीक्षा लिया, पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा लेकर इन्होंने भर्ती किया, तब इन्होंने 6,000 फिक्स किया। अब आप ये चीज माने, इसको इसलिए इस विषय को हम चुने हैं श्रम समाचार में कि ये मानसिक बिहार में दो क्षमता है, एक शारीरिक उद्योग की और एक मानसिक। मानसिक में ये आ जाएगा। और अब ये दरअसल राजनीति से प्रभावित हो गया। तो 2014 के चुनाव में सरकार जदयू बीजेपी अलग हुए, सरकार नीतीश जी की लोकसभा चुनाव हार गई। तो उस समय उन्होंने ये घोषणा कर दिया लोकसभा चुनाव के बाद कि हम जो पुनः सत्ता में आएंगे तो हम पुनः इस पर हम एक अलग संवर्ग बनाएंगे वगैरह वगैरह, अपना आश्वासन दे दिया। ठीक है, उस आश्वासन के अनुसार ये वर्ग चला। फिर जब सत्ता में लौटे, बिहार के चुनाव में सत्ता में आ गई सरकार, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने एक अलग से शिक्षक, जो पुराने शिक्षक थे उसे अलग एक संवर्ग बना लिया, बनाया। अब बात समझे, एक अलग संवर्ग बनाया। और ये जो नव नियुक्त शिक्षक हुए इनका वेतन मान बहुत कम, और जो पुराने शिक्षक थे उनका वेतन मान ज्यादा, स्वाभाविक है। तो ये अंतर हो गया। और इन्होंने छोटा छोटा करके ग्राम पंचायत का अलग, वो एक अलग नियुक्ति व्यवस्था हो गई, प्रखंड का अलग, जो शहर के हैं उनका अलग, मिडिल स्कूल का अलग, यानी कुल मिला के शिक्षक का जो एक संवर्ग होना चाहिए था उसको तोड़ के अलग कर दिया। लेकिन इनकी संख्या लगभग पूरे बिहार में 3.5
4 लाख के आसपास ये टोटल शिक्षक बनते हैं, तो इन्होंने अपना आंदोलन स्वाभाविक है किया। तो जब आंदोलन चलने लगा और सरकार देखी कि अब हम कमजोर हो रहे हैं, पुनः 24 में चुनाव होने वाला है, तो सरकार ने ये शिक्षा विभाग के लिए के आदेश पर 10/4/23 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थापना अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। अब प्रकाशित होने के बाद इसने एक अपना नियम बनाया कि हाँ भाई, स्वाभाविक है, जो भी नौकरी करता है और सरकार है तो उसकी सेवा शर्त होगी। सेवा शर्त में इन्होंने लिखा कि पुनः आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको परीक्षा देना होगा और परीक्षा पास करना होगा, तब हम आपको सरकारी शिक्षक मानेंगे, नहीं तो जिस संवर्ग में आप हैं। अब फिर यहां देखिए, ये बड़ा विभेद हो गया, ये एक नया वर्ग, इन्होंने ये अधिसूचना जारी कर दिया और वो पूरा कि अगर आप नहीं पास कर पाएंगे, 3 बार मौका मिलेगा, पास नहीं कर पाएंगे तो आप पुराने वाले में ही रहेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसका पूरे बिहार में व्यापक विरोध हो रहा। हाँ, फिर इन्होंने अपने नियमावली में कहा, यानी 10/4/23 को शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव द्वारा ये नियम, ये अधिनियम जारी किया गया, नियम जारी, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थापना अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली राजपत्र में प्रकाशित। अब इसकी नियुक्ति कैसे होगी? ये इसके नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा होगा। यहां ध्यान दें, पहले शिक्षा मित्र मुखिया जी की है, 1,500 वाले, ये मुखिया जी की है। उसके बाद इन्होंने पात्रता परीक्षा लिया तो इन्होंने क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत को ही अधिकार दिया कि हाँ, आप अब पात्रता जो पास है उनका आप मेरिट लिस्ट आप बनाइए और आप ही लीजिए। तो कुल मिला के इससे थोड़ा अच्छा ये हो गया, ये पात्रता पास करके बच्चे आए और इनका हुआ। अब देखिए, ये नियुक्ति आयोग करेगा, इसके लिए एक आयोग होगा और इसमें कौन सक्षम पदाधिकारी होंगे जो नियुक्ति पत्र देंगे? यहाँ नियुक्ति पत्र है, यहाँ नियुक्ति पत्र मुखिया जी देते थे, यहाँ नियुक्ति पत्र है ग्राम सेवक देता था और यहाँ नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही बांटा जाएगा ना। अब देखिए, ये एक चुनाव 24 के चुनाव के पहले मानसिक रूप से सभी सरकार तैयार हो गई है, क्योंकि अब ये जो शिक्षक 4 लाख हैं, 3.5 लाख से ऊपर ही हैं, ये फिर और भर्ती होंगे तो सभी बूथ पर तो यही ना सहायक बनते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका असर होगा, और इसका असर होगा तो चुनाव में भी असर होगा, लोकसभा के चुनाव में असर होगा। तो सरकार ने ये अपना विधेयक ले आया। आज इस विधेयक पर पूरे बिहार के जो राजनीतिक दल हैं और जो छात्र शिक्षक बनने वाले हैं और जो शिक्षक बने हुए हैं, सभी में चर्चा और आक्रोश का ये विषय बना हुआ है। कृपया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।